राष्ट्र, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल, पीडियाट्रिक एंड एलर्जी कंसल्टेंट, आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसी समस्या के विषय में जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भारत में बहुत सारे बच्चे एवं वयस्क इस समस्या से की वजह से अपने करियर, अपने पर्सनल लाइफ, अपने स्कूलिंग सबसे सब पर दुष्प्रभाव देखते हैं। वो है बार बार सर्दी खांसी होना, बार बार बीमार होना। यदि आपका बच्चा है या आप खुद कॉलेज स्टूडेंट हैं या बड़े हैं और आपको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है या खांसी होकर फिर बहुत दिन में ठीक होती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको जो समस्या है वो है एलर्जिक राइनाइटिस, नाक की एलर्जी। और नाक की एलर्जी को बचपन से ही बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि मामूली सर्दी ही तो है, लेकिन इस पर आप देखें कि पूरी दुनिया पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। खासकर यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा माना जाता है कि ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है इसकी वजह से यूरोप की जो ओवरऑल इकोनॉमी पर अरबों रुपए का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे जो वर्क लॉस होता है लोगों को, जो स्कूलिंग का लॉस होता है, दवा वगैरह का तो खर्च है ही। तो एलर्जिक राइनाइटिस को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, खासकर आप बच्चा है आपका या आप बड़े हैं तो भी, क्योंकि खासकर ये किसी भी एग्जाम के समय आपका बैंड बजा सकता है आपके एग्जाम का। और आप लोग यदि एलर्जिक राइनाइटिस से ग्रसित हैं तो इस चीज को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसके एपिसोड्स जिन लोगों को होते हैं वो क्वाइट फ्रिक्वेंटली होते हैं। कुछ लोगों को हर 15 दिन से एक महीने में, दो महीने में मौसम बदलते साथ सर्दी खांसी के ऐसे एपिसोड्स होते हैं और जिसके बाद उनको कॉन्सेंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। सबसे मुश्किल बात यह होती है एलर्जिक राइनाइटिस में कि घर वाले, टीचर्स, आप यदि वर्क पर हैं तो आपके साथ के एम्प्लॉयज जो होते हैं या आपका बॉस, ये सब कोई भी समझ नहीं रहा होता है इसको, सब इससे कोई सहानुभूति नहीं दे रहे होते हैं। बाकी बीमारियों में आपको सहानुभूति मिलती है, लोग देखने आते हैं, लोग आपको गेट वेल सून बोलते हैं। सर्दी में यदि आप काम नहीं कर पाते हैं तो आपको बोला जाता है बहाने मार रहा है, क्या सर्दी तो है। लेकिन जिन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस होती है वो इसको महसूस कर सकते हैं कि इससे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी छोटी लाइफ में। तो मैं इसका पूरा कॉजेस, ट्रीटमेंट डिटेल में बताने वाला हूं एलर्जी स्पेशलिस्ट के नाते। तो जिन लोगों को भी दिक्कत है मैं व्यूज की चिंता नहीं करूंगा और ना ही समय की चिंता करूंगा कि कितना टाइम लग रहा है इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं साइंटिफिक रूप से। लेकिन साथ ही साथ में मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो किसी भी डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ना ही ये आप ये अपेक्षा रखें कि मैं कमेंट बॉक्स में आपको इंडिविजुअली प्रिस्क्रिप्शन दे पाऊं, क्योंकि ये लीगली सही नहीं होगा और यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट भी है, ठीक है। तो मैं वो तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको जनरल एडवाइस पूरी दे रहा हूं, दवाएं भी बताऊंगा और ये कहूंगा कि उन दवाओं को आप डॉक्टर से अपने मिलकर डिस्कस करें, ठीक है। तो एलर्जिक राइनाइटिस ये लगभग 20-25% लोगों को भारत में ग्रसित करने लगी है, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है। 100 में से 20 लोगों को नाक की एलर्जी है किसी ना किसी तरह की। नाक की एलर्जी जब होती है तो कैसे पता चले कि आपको क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है, ये वीडियो डॉक्टर्स के भी काम आएगा। तो देखिए, यदि दो तरह की एलर्जिक राइनाइटिस होती है, एक वो जिनको बहुत छींके आती है खासकर सुबह सुबह, और एक वो होते हैं जिनको नाक ब्लॉक होती है, ब्लॉक की फीलिंग होती है। आपने सलमान खान को देखा है ऐसे ऐसे करते हुए, तो ये लोग जो है यूजली एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट होते हैं, उनको ऐसे करने का मन करता है, ब्लॉक होती है नोज, रात को खर्राटे की आवाज हो सकती है या माउथ ब्रीदिंग हो सकती है इनको, और जो तो इनको ब्लॉकर्स कहा जाता है। जो रनर्स होते हैं उनमें बार बार छींके आना खासकर सुबह के समय, और राइनोरिया होना, राइनोरिया का अर्थ है बहुत ज्यादा नाक बहना, वॉटरी नोज बहना, जब भी एपिसोड होगा तब तक, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इसको यदि कई साल तक एलर्जिक राइनाइटिस को यदि इग्नोर किया जाए तो हमारे यहाँ पर साइनसिस होते हैं, ये सब साइनसिस हैं, यहाँ पर बोन्स हैं, जो बोन्स में गैप है, हवा भरी हुई एक तरह की, और हवा रहनी चाहिए, और ये साइनसिस यहां से खुलते हैं अंदर नाक पे। तो क्या होता है कि बार बार जिनको सर्दी होती है तो ये म्यूकोसल थिकनिंग वगैरह की वजह से ये ब्लॉक हो जाते हैं, इनके जो ऑस्टियम है, जो छिद्र है, और वो ब्लॉक होने से जो फ्लूड है वहां भरने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं साइनोसाइटिस। तो साइनोसाइटिस डेवलप हो जाएगा यदि आप बहुत दिनों तक एलर्जिक राइनाइटिस को इग्नोर करेंगे, तो ये पहला कॉम्प्लिकेशन है। साइनोसाइटिस यदि डेवलप होता है तो इंसान को थकावट रहने लगेगी, चिड़चिड़ापन रहने लगेगा, हेडेक वगैरह होता रहेगा, बहुत बुरी सी फीलिंग होती रहेगी दिन दिन भर, और सर्दी खांसी के जब भी एपिसोड होंगे तो वो जल्दी ठीक नहीं होंगे, ठीक है, साइनोसाइटिस में। दूसरा रिस्क
होता है यदि हम एलर्जिक राइनाइटिस को इग्नोर करें, तो ये क्योंकि ट्रेकिया जो है सांस की नली अंदर से जाके फेफड़े से जुड़ी हुई है, तो उसमें फिर अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। मैं अस्थमा का एक मिनट मॉडल आपको दिखाना चाहता था। यस, एक मिनट, ये ठीक है। तो ये हमारी सांस की नली है और ये इस तरह का रहते हैं सांस की नली। अस्थमा में क्या होगा कि एलर्जन जैसे ही जाएगा तो वो ऐसे संकुचित हो जाती है सांस की नली, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, खांसी आएगी, सांस फूलेगी, ये सब होता है, ठीक है। तो यदि हम सालों तक खासकर बच्चों को एलर्जिक राइनाइटिस नहीं ट्रीट करें तो 40% ज्यादा संभावना होती है ऐसे बच्चों को आगे चल के अस्थमा होने की, जिनको बचपन में प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं मिला होता है, ठीक है। तो ये थी एलर्जिक राइनाइटिस से रिलेटेड रिस्क। अब एलर्जिक राइनाइटिस के कारण, तो कारण एक तो जेनेटिक होता है, अनुवांशिक, यदि माता पिता एलर्जिक हैं तो बच्चे में होने की संभावना काफी बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके बच्चे में ये हो ही जाएगा, ठीक है। एक तो जेनेटिक, दूसरा ज्यादा तेजी से जो एनवायरमेंट बदल रहा है हमारा, पोल्यूशन बढ़ रहा है हवा में, उसकी वजह से इसके केसेस बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ में पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल खेतों में जो हो रहा है उसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन जो कॉमन एलर्जन होते हैं, मैं एलर्जी टेस्ट करता हूं अपने क्लिनिक पर और लगभग मैंने एक डेटा निकाला, लगभग 1000 बच्चों और बड़ों का एलर्जी टेस्ट करके, तो मैं जो इस क्षेत्र में जो देखता हूं, मध्य प्रदेश के केसेस जो मैं देखता हूं, तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा गाजर घास से दिखाई देती है एलर्जी, और घर के धूल में मौजूद कुछ माइट्स होते हैं, डस्ट माइट, डी टेरेनेसिस, ब्लोमिया स्पीशीज और डीफेराइन, ये डस्ट माइट्स की वजह से ज्यादा होती है। बहुत सारे लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, बहुत सारे कि अंगूर नहीं खाएंगे, केला नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, खट्टा नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, तो मैं बता दूं कि खाने से एलर्जी टेस्टिंग में बेहद ही रेयरली मुझे पॉजिटिव केसेस मिलते हैं नाक की एलर्जी में। तो आपको खासकर बच्चा यदि, तो आप उसके खाने में रोकथाम मत कीजिए व्यर्थ की, नहीं तो उसको कमजोरी भी होगी और एक ही लाइफ है और एक ही बचपन है, उसके बचपन का स्वाद वैसी आइसक्रीम जैसी बचपन में लगती है, जैसा जो फल बचपन में लगता है वैसा बड़े होकर नहीं लगेगा, हम जानते हैं ना। तो माता पिता मम्मियों, उनको बच्चों को ये खाने दीजिए, क्योंकि खाने से मोस्ट ऑफ द टाइम नाक की एलर्जी का संबंध नहीं होता है। आमतौर पर ये हवा में मौजूद कण, जैसे कि गाजर घास का, जिसे पार्थेनियम बोलते हैं, उसका पोलन अंदर जाए या डस्ट माइट अंदर जाए, इस तरह की चीजों से ज्यादा होती है नाक की एलर्जी, ठीक है। अब आते हैं बात की ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस क्लिनिकल है, इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है, मतलब मैं एग्जामिन करूंगा बच्चे को या बड़े को तो मैं बता सकता हूं कि इसको नाक की एलर्जी है, ठीक है। मैं मतलब कोई भी डॉक्टर है ना, और मैं आज जो आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं वो एक मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी के डॉक्टर के नाते बता रहा हूं, आयुर्वेद या होम्योपैथी वगैरह के जो भी चीजें हैं वो आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, और उसके भी चैनल्स हैं यूट्यूब वगैरह पर, वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर मॉडर्न मेडिसिन का क्या कंसेप्ट है इसको लेकर उस पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वजह से क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस को बहुत अच्छे से ट्रीट करने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म ट्रीट करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में मैंने जैसे बताया कि एलर्जिक राइनाइटिस को डायग्नोस करने के लिए कोई भी जांच की जरूरत नहीं है, बार बार सर्दी खांसी के जो मरीज हैं, लेकिन क्लिनिकली आप हिस्ट्री जो है कि यदि आपको बार बार सर्दी खांसी हो रही है तो यूट्यूब पे देख, मैं यहां बैठे बैठे बोल सकता हूं कि 99% चांस है कि आपको क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉज है सर्दी खांसी का, ठीक है। अब आते मैं डायग्नोसिस की जब बात कर रहा था, तो डायग्नोसिस के लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन किस चीज से एलर्जी है ये जानने के लिए आपको एलर्जी टेस्ट किया जा सकता है, जो कि 3 साल से ऊपर के बच्चों का और बड़ों का किया जा सकता है। एलर्जी टेस्ट में हम प्रिकिंग प्रिक करते हैं डिफरेंट एलर्जेंस को 40 बार 100 बार जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जैसी हिस्ट्री होती है, और उससे हम पता करते हैं कि किस चीज से एलर्जी है। उससे ये दो फायदे होते हैं कि आपको व्यर्थ में आप जो परहेज कर रहे होते हैं उससे निजात मिल जाती है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चल सकता है किस चीज से एलर्जी है, और साथ ही साथ में कुछ ऐसी चीजें जो अवॉइड की जा सके आसानी से तो अवॉइड करवा दी जाती हैं, ये उसका एडवांटेज है। और एक इम्यूनोथेरेपी भी उससे जुड़ी होती है, हालांकि वो बहुत कम लोगों में की जाती है, उस पर मैं नहीं बोलूंगा। तो एलर्जी टेस्टिंग अकेली एक जांच है, ये टेस्टिंग आमतौर पर विभिन्न शहरों में एलर्जी स्पेशलिस्ट जो करते हैं 3,000 रुपए से 8,000 रुपए के बीच की इसकी कॉस्ट होती है डिफरेंट प्राइवेट सेटअप्स में, तो आप ये कहीं पर एलर्जी स्पेशलिस्ट से करवा सकते हैं यदि आपको बार बार हो रहा, तो लेकिन बिना इस टेस्ट के भी इलाज किया जा सकता है, ठीक है। टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, खासकर जैसे छोटे शहरों में जहां ये उपलब्ध नहीं है। तो अब बात आती है
कि जो ब्लड से किया जाता है एलर्जी टेस्ट, उसकी रिपोर्ट कई बार गलत आती है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, बहुत बार फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से, तो इसलिए वो भी एलर्जी स्पेशलिस्ट को ही इंटरप्रेट करना चाहिए। ये नहीं कि जो ब्लड से एलर्जी टेस्ट आपने कराया तो उसमें यदि आपको दाल से आ गई या आलू से आ गई या मूंगफली से आ गई तो आप उसको बंद कर दें, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो कई बार फॉल्स पॉजिटिव रहती है, ठीक है, उसको डॉक्टर को इंटरप्रेट करने दीजिए। अब आती है बात कि ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में मॉडर्न मेडिसिन में कुछ सेफ एंटी हिस्टामिनिक्स जो कि लंबे समय तक दी जा सकें, और मोंटेलुकास जैसी ड्रग्स की कॉम्बिनेशन कई बार लंबे समय यूज किए जाते हैं, आमतौर पर शुरुआत में 3 महीने के लिए शुरू किया जाता है, इसके बाद लॉन्ग टर्म उसको मरीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कुछ मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ लंबे समय तक सालों तक उनको लेना होता है दवा, तो वो हर मरीज अलग अलग है, तो एक तो ये दी जाती है। तो ये इनमें से बहुत सारी दवाएं बड़ी सेफ हैं, जैसे कि फैक्सोफेनाडेन जो है, मैं अगेन दवा आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप मन से लें, ये मेरा पर्पस नहीं, आपको एजुकेट करना पर्पस है, जिससे कि आपका डॉक्टर जो आप चुन रहे हैं वो भी आपको मदद मिलेगी कि डॉक्टर को आपकी नॉलेज है कि नहीं। तो जैसे मोंटेलुकास्ट है, लिवोसिट्रिजिन है, फैक्सोफेनाडेन है, इनके जो कॉम्बिनेशन है मोंटेलुकास्ट लिवोसिट्रिजिन, मोंटेलुकास्ट फैक्सोफेनाडेन या प्लेन फैक्सोफेनाडेन, इनको लिया जा सकता है। फैक्सोफेनाडेन जो होती है अलग अलग ब्रांड नेम से आती है, जैसे एलिग्रा वगैरह, तो ये जो है इसे नींद नहीं आती है, तो जैसे आप एग्जाम वाले बच्चे हैं या कोई ड्राइविंग वगैरह जैसा कोई प्रोफेशन करते हैं, पायलट हैं, तो उनको एलिग्रा वगैरह जो फैक्सोफेनाडिन है वो दी जाती है, है ना, और मोंटेलुकास्ट अस्थमा को भी क्योंकि कंट्रोल करती है तो उसको भी लॉन्ग टर्म दिया जा सकता है, और आमतौर पर ये बेहद सेफ दवाएं हैं, इसे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं किसी को भी, और होते हैं तो वो उसको मैनेज किया जा सकता है और डॉक्टर उसको वॉच कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ में एक ड्रग ऑफ चॉइस एक और है जिसको लोग नहीं समझते हैं, तो उसमें मैं बता दूं, एक तो गलत कई लोग जो कुछ नाक के स्प्रे डालते हैं जो टीबीवी में देखकर ऑक्सीमेटाजोलिन वगैरह के, ठीक है, जो ऑट्रेविन वगैरह टाइप के, ये यदि आप लॉन्ग टर्म डाल रहे हैं तो बेहद गलत है, बच्चों को भी और बड़ों को भी, क्योंकि आपको एक राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है जो कि फिर दवा से भी आसानी से नहीं जाएगी। तो मन से इस तरह की ड्रॉप्स मत डालें लंबे समय, इसको सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए रखा जा सकता है, जैसे ऑट्रेविन जैसे ड्रॉप होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ दूसरे नेजल स्प्रे हैं, जैसे कि ये फ्लूटिकासोन नेजल स्प्रे या फिर मोमेटासोन नेजल स्प्रे, ये डॉक्टर की सलाह पर लिए जाने चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स को भी किस तरह से इसको डालना है इसका यूज नहीं पता होता है, तो इसको मैं बता दूं मरीजों को तो वो समझाते ही नहीं है, ठीक है, तो इसको हमेशा शेक करना है, ठीक है, और बैठना है या खड़े रहना है, और डायरेक्शन इस नाक में आउटर आंख की तरफ डालना है ये, और दबा देना है, और इस आंख में इस तरह से, इसकी डोज डॉक्टर तय करेंगे, ये That's it. हल्का सा अंदर करके दबा देंगे, तो इसकी डोज डॉक्टर तय करते हैं, ये सेफ होते हैं, बहुत सुरक्षित होते हैं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं प्रॉपरली यूज किया जाए तो, क्योंकि लोकल ऑइंटमेंट का मात्र काम करें इनफीरियर टर्मिनेट पर, सिस्टमिक अब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो इससे रिलेटेड यदि आपको फियर है तो उसको फियर मत रखिए। हाँ, इसको डालने का प्रॉपर तरीका होना चाहिए, बच्चों में आमतौर पर एक एक पफ दिए जाते हैं, बड़ों में दो दो पफ दोनों नॉस्ट्रिल में दिए जाते हैं, लेकिन मैं ये और अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, ठीक है, तो इनको लॉन्ग टर्म यूज करना होता है, ये कभी कभी यूज करने वाली दवा नहीं है, जिस तुरंत रिलीफ के लिए नहीं है, ये उसके कारण को ठीक करने के लिए, ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वहां पर, जो एलर्जी हो रही है उसको ठीक करने के लिए। इसका स्प्रे, इसका यदि यूज सही समय से सही डोजिंग में लंबे समय तक किया जाए तो अस्थमा होने की संभावना वगैरह में भी कमी आती है, साइनोसाइटिस डेवलप होने में कमी आती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहद इंप्रूव होती है, आपको जो बार बार वर्क लॉस होता है, जो बार बार आप बीमार हो रहे होते हैं, तो यदि ये नेजल स्प्रे लें और मोंटेलुकास्ट वगैरह जैसी दवा समुचित पीरियड के लिए लें तो उसे आपको जो बार बार बीमार होने के एपिसोड हैं उसमें भारी कमी आएगी। साथ में एलर्जी के पेशेंट्स को विटामिन डी लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी हमारे 70% पॉपुलेशन को कम है, और विटामिन डी की कमी से भी एलर्जीज होती हैं। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मां का दूध पीते हैं 6 महीने तक और कुछ भी नहीं, उनमें आगे चलकर एलर्जी के एपिसोड्स कम देखे जाते हैं, किसी भी चीज की एलर्जी होने की, अस्थमा होने की संभावना कम होती है, इसलिए यदि आप मां हैं और छोटा बच्चा है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मां का दूध पिलाएंगे तो वो सबसे नेचुरल, सबसे प्राकृतिक तरीका है एलर्जी के अगेंस्ट बचाव का। इसके अतिरिक्त जो कुछ टीके हैं जो जिनको बार बार सर्दी खांसी होती है वो जैसे न्यूमोकोकल के लगवा सकते हैं, वैक्सीन इस पर एक टीवी का एड भी आता है, और एक है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जिसमें स्वाइन फ्लू का भी मिला होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का लिमिटेशन ये है कि हर 1 से 2 साल में इसको रिपीट करना होता है आपको, ठीक है। तो ये थी जानकारी एलर्जी के विषय में,
ऑलमोस्ट संपूर्ण जानकारी है, फिर भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप अभिभावक हैं तो आपके बच्चों के लिए काम आएगी, बड़े हैं तो बड़ों के लिए काम आएगी। मैंने तय किया है कि मैं चैनल्स पर वीडियो डालते रहूंगा, व्यू की चिंता, व्यू वगैरह के लिए नहीं, कुछ लोगों को भी मदद करे, इसलिए मैं अब रेयर बीमारियों को भी इंक्लूड करने वाला हूं जो कि बहुत कम लोगों के शायद काम आए, जैसे कावासाकी डिसीज है जो इसमें लंबा बुखार आता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, क्योंकि कुछ माता पिता को भी यदि इससे हेल्प मिल जाएगी तो वो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ऑटिज्म है, तो मैंने तय किया है कि इन पर भी छोटी छोटी जानकारियां एक डालना शुरू करूं, जिससे कि आप डॉक्टर को चुनने में भी आपको मदद मिले और आपका ट्रीटमेंट सही जा रहा है या नहीं इसका भी एक आपको अंदाज हो, साइंस का आपको पता हो। तो मेरा ये पर्पस रहेगा, आप इसे पसंद करें, देखें या ना देखें, मैं ये काम करते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।